हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उनके दो गार्ड्स ने। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ। फौरन दसो मेरे को टाइम कितना है? जितना भी टाइम है, बस आप शुरू हो जाएं। उस्ताद शागिर्द से नहीं यार, उस्ताद शागिर्द आज उन्होंने मना किया। मैं कद के मुझसे तुसी रिश्ते दा नहीं समझा करो। मीडिया वाले को दिखावणी सजी पौंदी है, मारनी खबी पौंदी है। मुझसे लतीफे पुराने ही नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल पहले हो चुके हैं। नहीं नहीं नवा है। तो पहले को काम की बात तो कर लें, शुरू से लतीफे की। कौन है खाजे? पुन्नू साहब हैं ये। आप मौला इन्हें टिंड तक की बैज लो वाले का साहब। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, एम आई ड्रीमिंग? नो यू आर नॉट। ओह बा इन्हें दसो मच्छर सी? ओह नहीं मच्छर नहीं, मैं थोड़ा जरा जज्बाती हो गया था। मैंने कहा ये मैंने क्या देखा है। डॉक्टर साहब हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? यू सीम टू हैव लॉस्ट वेट। जी आई हैव। ए हो जी डॉक्टर अस्पताल जावे ना, सारे मरीज फ्रेश होके नहा धो के बह जांदे ने। जी शाह जी, लगदा यार मेरी गल्लां ते जुतियां पै जानियां। आपको अक्टूबर में जाने नहीं दिया गया था इटली। ज़ुल्म हुआ है, ज़ुल्म। तो बाद में इस मसले को रिजॉल्व किया गया? कुछ भी नहीं, साड़ी तैयारी रह गई। अठ बैग सन, एक मुर्शिदा सी, सत साढ़े सन। जी असीं सत बैग सोन रहते भर के लै गए भाजी। उत्थे एयरपोर्ट के बाहर फिर वेचे सी। छोटे ते वड्डे ते मिनी साइज सारे। छोटा जड़ा अद्धा किलो वाला, ओए ओ बहुत ज्यादा निकले ने। ओ ओदी गिलानी साहब ऐसे खैर दा चक्कर लेंदे पे बारो। बस इवें ही तरह मैं क्या वेकेशन कर के नु ए दर्शन तो सा अपने इलाके च अपने वसेबित कर सकदे वे। शी इज प्लांटेड बाय यू। सही गल, सही कह रही है वो। अपने इलाके आप तबाह करके बाहर मजे ले रहे हैं। क्या किया है मुल्तान का नक्शा? शजर उतारे नहीं आपने, जवाब नहीं देते हर दफा आते निकल। ओ यार उन्होंने नहीं उतारे भाई, तुम्हें किसने कहा? ओ सर फिर रोला गया इनका। इनके ऊपर इल्जाम ये नहीं है कि इन्होंने दरख्त कटवाए हैं, इन्होंने खामोशी इख्तियार की इस कत्लेआम पर। और अगर देखा जाए तो ये भी अयानत जुर्म के जुमरे में आता है। वाह ना करो यार। वजह से वो बेचारा बोलता ही नहीं। इतना बड़ा रिसेप्शन मिलता है अभी भी नहीं बोलता ये। पर उस देख पोवे ना एहो जमू बनता है। और जब मिल जाए अजड़ा इस टाइम दमू है ना, बिल्कुल वो बनता। कितनी दूर किसी के घर जाओ ना कि ताला लगा हो एहो जमू बनता है। सुनाओ क्या वो गाना सुनाते हैं? नहीं वो जो कुछ कट दे उन्दे ने। नहीं नहीं वो नहीं, क्या बातें कर रहे हो आफ्ताब साहब, ये है अवाम की आवाज। अच्छा अवाम की आवाज से याद आया। अब क्या याद आ गया? जरदारी साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है। वो क्या है सर? केसेस के बारे में फरमा रहे हैं कि पार्क लेन केस है, एक ठट्टा वाटर सप्लाई केस है और एक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये सारे के सारे वापस लिए जाएं, खत्म किए जाएं। ये क्यों? सिचुएशन ऐसी हो गई है। इसी बिना पर इन्हें उस्ताद आसिफ अली जरदारी कहते हैं लोग, जो बड़े महा उस्ताद है ना, खुद इनके यहां पानी भरते हैं जाके। ये इस वक्त थोड़ी सी फिक्स में है एस्टेब्लिशमेंट, उसको एलाइज की जरूरत है। सिंध कार्ड पहले होता था बाहर इस्तेमाल, अब सिंध कार्ड होता है अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल। ये कमाल आसिफ जरदारी से कुछ सीखे कि अगर मेरी हमदर्दियां चाहिए, नजर करम चाहिए, सिंपथी चाहिए, मोहब्बत चाहिए, वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसके बस क्या देते हो? ओ भाईजान ये गिव एंड टेक तो होता ही है। लेकिन क्या गिव एंड टेक, अभी इसमें अवाम किधर है? और यार अवाम किधर से आ गए? अवाम किधर से आ गई? जी क्या साहब आप सीरियसली कह रहे हैं? ये कसम है मैं दसाओ के था। देखें ये एक चीज है जी, ये अवाम से लेकर यहां रख ली गई। एटम शुरू हो गई। ओहो हूं एनक नु बैंक बनाएगा वेखी। ये अवाम का वो पैसा जो ठट्टा वाटर सप्लाई में, बल्कि कुछ और भी केसेस थे, छोड़े ठट्टा वाटर सप्लाई, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग वो भी इसमें है, देख लो गौर से जी। और तीसरा पार्क लेन केस जिसमें फरियाल तालपुर भी हैं, आपकी हमशीरा मोहतरमा और आपका भी नाम। ये उनका राइट है कहना कि मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा, ये उनका राइट है। आप भी कह सकते हैं, शरीफ बरादरान ये कहते हैं कि भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है, आप साबित कर दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रोसिक्यूट करें, मैं मुकाबला करता हूं, इसको जल्द अज जल्द निपटाएं। होना ये चाहिए था कि फौरन निपटाएं इसको। उनका जनाब ये केसेस खत्म किए जाएं, ये दरखास्त उन्होंने कर रखी है। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी को समझ नहीं आएगी कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अवाम तो उत्थे बैठी है। ये अवाम का माल है। अच्छा जी, माल। अब साइंस क्या थी इसमें? सॉरी मैं दूसरी तरफ निकल गया। अरे अवाम का माल साइड से लाके चुप करके बह गए।
अब ये चीज अवाम से मुतालिक है, ध्यान रख दी गई, हो गई। मैं आपसे कहूं कि आप इसको एक साइड पे रखें और मेरे इस अमल को आप फरामोश कर दें, समझे ये यहां नहीं है, कहीं और है। ओ थले परली साइड थे। अवाम को पता है कि ये यहां है, यहां है। जब तक ये सामने नहीं ना आएगा जी, जी, जी। अवाम को बताया नहीं जाएगा कि मैंने यहां से कुछ नहीं लिया, आपका मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे ऊपर केस डाला जा रहा है, मुझे इम्प्लीकेट किया जा रहा है, तब तक जान नहीं छूटेगी। वो समझते हैं कि ये यहीं पड़ा रहे, बल्कि यहां से उठा के यहां रख दें और आप बारो बार ये फैसला कर लें कि ये यहां से उठाया गया था ना, ये उठाया ही नहीं गया। समझ आ गई कि कुछ नहीं आया समझ, पक्की बात, पक्की बात। अच्छा मैं फिर समझा, ये यहां से वहां गई, नीचे लुका लिया था इसको, फिर काट लिया था, सन आ गई सारी समझ। मेरा एक सवाल है, इस जरदारी साहब ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? भाई मैंने अभी बताया नहीं, बार्गेन करने के लिए कि इस वक्त मेरी जरूरत है एस्टेब्लिशमेंट को, वो मेरी हर बात मानेंगी, तो वो बार्गेन के चक्कर में है, लेकिन मेरे ख्याल में बार्गेन होगा नहीं। बोल राधा बोल, बार्गेन होगा के नहीं, नहीं कभी नहीं। लेकिन बहरहाल बार्गेन अब पता नहीं होता है कि नहीं होता। क्यों प्रोफेसर साहब, आप क्या कहते हैं? डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है। एर दे कुर्दे फेल होए ना इंदा होया तो। आज ये छोटे-छोटे शहरां जा के ना होस्ट मैं हां, मेरी गल्लां नहीं लाउंदे। आज लतीफे तो बगैर ही लगदा पैनियां सानू। बाकी अरगे बंदे सर्दियां च सलंसर सेक रहे हुंदे ने। नहीं। तो इस वक्त तो जरदारी साहब की डिमांड का ग्राफ बढ़ रहा है, तो फिर आप देखिएगा कि बहुत सारे केसेस जो है वो वापस ले लिए जाएंगे। बहुत नुकसान होगा उसे, बहुत दुख होगा और बहुत सदमा पहुंचेगा एहतसाब को। यार ये क्या हो रहा है? ये वाली बातें करनी थी ना तो पहले बता देते। डॉक्टर साहबा जी, आई विल कम टू योर शो OMC, जहाँ पे आप होस्ट होते हैं। मोस्ट वेलकम गिलानी साहब जी, सारे प्रोग्राम है, चाहो तो सारा सराकी ना प्रोग्राम है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हूं देता आवना ही आवना, लाजमी आवना है। ये जब बाबा डांस करता बीमार नियोला टाइप। भाईजान माहौल बहुत सीरियस हो गया है यार, क्रिकेट की कोई बात ना कर लेंगे, आप लगे रहे। अरे भाईजान ऐसे कैसे, बेस्ट कैच कौन सा था? अभी मैंने एक कैच सिलेक्ट कर रखा है। ओ भाईजान प्लीज मेरी बात तो सुनो। सर कॉनवे ने मेरे ख्याल से कैच किया था इसका, मोहम्मद हफीज का। एग्जैक्टली है ना सर, तालियां, बेहतरीन बेहतरीन कैच, वाह वाह वाह, ताली हो गई। अब प्लीज मुद्दे पे, उस्ताद शगत से यार बेटे ये सच और वहम को जुमले में इस्तेमाल करके दिखाइए। मजीद गौर करो कौन आ रहा है। मैं कौन अभी? ओहो यार शुरू तो आवना पड़ो यार, उस्ताद शगत से बेटे ये सच और ये वहम को जुमले में इस्तेमाल करके दिखाओ। मुखाओ शागिर्द ने क्या कहा शागिर्द? अरे बेटे बताओ ना यार, शुरू से आना पड़ेगा। वो भी बोल यार, अब भाई खुदा का नाम मन ब्रेक ले, अल्लाह की कसम फिक्का लतीफ है, सानू इन्हें 20 बारी झुलाया है, ब्रेक ले ले यार, तेरी मेहरबानी है, जुत्ती ला के मेनू दे, मैं अपने सिर च मारा ब्रेक ले ले। पति नजरात भाईजान खुदा दा वास्ता है, सिर्फ एक गाल सुनो। क्या क्या? वो तो सलाम मैं पाउना हार यार, लो बस 2 मिनट लग सन, सिर्फ 2 मिनट। आप फौरी तौर पे सुना रहे हैं ऐसा? गो गो उस्ताद शागिर्द से सच और वहम को जो है वो आप जुमले में इस्तेमाल करके देखो। शागिर्द सच ये है कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, वहम ये है कि हम पढ़ रहे हैं।